तो दोस्तों हम जा रहे हैं अभी पाकिस्तान की तरफ और यहाँ पे आ गई है बॉर्डर। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे ये जो व्हाइट कलर की लाइन है ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर है और सामने की तरफ है पाकिस्तान और पीछे की तरफ है हिंदुस्तान। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, चलिए देखते हैं पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, एक नया दिन, एक नई शुरुआत और एक नया व्लॉग और एक नया देश। अभी बजे है सुबह के 6:30 और इतना जल्दी शायद मेरा कोई व्लॉग नहीं आया है। तो वेलकम टू Y2K वर्ल्ड ट्रैवलर, मैं हूँ योगेश और जा रहा हूँ एक और नए कंट्री में। देखते आगे, पहले मैं वेट कर रहा हूँ टैक्सी का, अभी आएगी थोड़ी देर में टैक्सी, तो निकलेंगे करतारपुर पाकिस्तान। तो प्लीज़ पूरा वॉच कीजिए, पूरा इन्फॉर्मेटिव बना रहा हूँ। अगर आपको भी जाना है तो आप कैसे जाओगे और कैसे मैनेज करोगे वो मैं पूरा आपको ये व्लॉग में सिखाने जा रहा हूँ। तो मैं वेट कर रहा हूँ टैक्सी का, 6:40 हो चुका है और वहाँ पे फर्स्ट एंट्री स्टार्ट होती है 7:30 बजे, इमिग्रेशन स्टार्ट हो जाता है 7:30 बजे। और ये है एक और नया यूट्यूबर शुभम। हाय, मेरा नाम, चैनल का नाम है विदर्भाजी ट्रैवलर मराठी में, और योगेश भाई से मैं कल मिला, ये गाड़ी में जा रहे हैं। तो जर्नी स्टार्ट होती है हमारी 6:41 पे अमृतसर से करतारपुर के लिए। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। और सर क्या हाल चाल है? बस एकदम बढ़िया है सर जी। कितना, 1.5 घंटा लगेगा ना सर जी? मैक्सिमम सर 1.5 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। बढ़िया सर, वो 8 बजे भी नहीं 7:30 बजे इमिग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है सर। तो दोस्तों हमने स्टार्ट कर दी थी हमारी जर्नी अमृतसर से करतारपुर कॉरिडोर इंडियन इमिग्रेशन जाने के लिए, बट हमने टैक्सी क्यों की ये मैं आपको बताना चाहता था। टैक्सी हमने इसके लिए की क्योंकि यहाँ से जो बसें निकलती है अमृतसर सिटी से वो 6 बजे के बाद निकलती हैं और उसका भी फिक्स टाइम तो कोई भी नहीं है, और जबकि ट्रेन में जाने के लिए एक ऑप्शन था हमारे पास, बट अमृतसर स्टेशन से सुबह 4 या 4:30 बजे के आसपास में एक ट्रेन निकलती है और बाकी की 3 ट्रेनें निकलती है अमृतसर से थोड़ा आगे एक और स्टेशन है जिसका नाम है विड़का। तो विड़का से हमें ट्रेन मिल सकती थी और वो भी करतारपुर कॉरिडोर डायरेक्ट नहीं जाती है, वो ट्रेनें जाती है डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा रेलवे स्टेशन के बाजू में। फिर रेलवे स्टेशन से हमें डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा जाना पड़ता था और वहाँ से चलती है फ्री बस, तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन आगे बताऊंगा। बट टैक्सी का ऑप्शन सबसे सही और सबसे आसान था और मुझे मिल गया था एक और ट्रैवलर, तो हम दोनों ने साथ में टैक्सी करने का डिसीजन लिया। तो दोस्तों टैक्सी का चार्जेस होता है 1,700 रुपये से लेके 2,000 रुपये तक, और ये चार्जेस होता है रिटर्न, मतलब सुबह से लेके शाम तक टैक्सी आपका वही पार्किंग प्लॉट पे वेट करेगी। जब आप विजिट करके वापस आओगे तो टैक्सी आपको रिटर्न लेके आती है। तो फाइनली हम लोग डेरा बाबा नानक पहुंच गए हैं और टाइम हुआ है, मतलब 1 घंटा लगा, और यहाँ से ये लास्ट पॉइंट है गुरुद्वारा का, और गुरु नानक जी आते थे ना यहाँ पे अपनी गुरु नानक जी अपनी फैमिली को मिलने के लिए यहाँ पे आते थे। और ये पहले दोनों रास्ता एक ही होता था, ये डेरा बाबा नानक और करतारपुर सेम एक ही पॉइंट होता था पहले, उसके बाद जो बंटवारा होने के बाद ये अलग अलग हो गया। तो यहाँ से ये बस जाती है फ्री वाली, बस जाती है फ्री वाली। और ये अपना किलोमीटर हुआ यहाँ से, यहाँ से 1.5 किलोमीटर मैक्सिमम, यहाँ से 1.5 किलोमीटर। तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर होता है करतारपुर कॉरिडोर। तो हम लोग एक्चुअली बीच में रास्ता वो छोड़ के यहाँ पे आए क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे लंगर में थोड़ा सा प्रसाद ले ले, फिर यहाँ से हम लोग आगे की तरफ जाए। और ये बस है यहाँ से जो फ्री में लेके जाती है वहाँ पे करतारपुर कॉरिडोर में, और ये चलती रहती है, जैसे पैसेंजर आते हैं वैसे वहाँ पे वो छोड़ने का काम करती है। तो दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना रह गई, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगर आप कोई प्लानिंग ऐसे करते हो कि रात को ही अगर आप डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा में पहुँचना चाहते हो और सुबह यहाँ से निकलना चाहते हो, तो डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा में रात को रुकने के लिए काफ़ी अच्छे बंदोबस्त हैं। तो बहुत सारे लोग प्लानिंग वैसे भी करते हैं कि रात को ही पहुंच जाते हैं डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा और मॉर्निंग में यहां से फ्रेश होने के बाद आराम से जाने के लिए निकलते हैं करतारपुर कॉरिडोर।
और बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि करतारपुर कॉरिडोर से रिटर्न आके डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा में नाइट स्टे करते हैं और फिर बाद में जाते हैं सुबह मॉर्निंग में अमृतसर की तरफ। तो ये दोनों ही ऑप्शन काफी यूजफुल है, अगर आप प्लानिंग वैसे भी करना चाहो तो कर सकते हो। थैंक यू सर। वापस एक बार यहाँ पे चेक होगा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਾਅ ਜੀ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਬੱਸ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ 3 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਵੇਰਕਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੇ। ਵੇਰਕਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਰਹੇਗੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ 'ਚ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, 7 बजे और एक ट्रेन चलती 9 बजे, बट वो ट्रेन आपको उतारेगी बाबा डेरा नानक रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद आपको जाना पड़ेगा गुरुद्वारा, जो डेरा बाबा नानक गुरु जाना पड़ेगा। फिर वहां से जाने के बाद आपको एक फ्री बस सेवा मिलती है, बट अगर ओवरऑल टाइम कैलकुलेशन करो ना तो ढाई घंटे के आसपास हो जाता है, जबकि हम लोग टैक्सी करके आते हैं तो मैक्सिमम 1 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटा या 1.25 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो बेटर ऑप्शन है कि टैक्सी में आइए। अगर आप कोई दूसरा ट्रैवल ऑप्शन देखना चाहते हो तो SUVs। हाई, तो फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं एंट्री करने के लिए करतारपुर कॉरिडोर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, जो इंडियन साइड से है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ करके दी हुई है। जैसे कि हम लोग जैसे एंटर हुए तो 3 बार सिक्योरिटी चेक इन ने हमारा ETA और पासपोर्ट चेक किया है। चेक करने के बाद हम लोग जो टैक्सी लेके आए थे उन्होंने यहाँ पे सामने पार्किंग में टैक्सी पार्क कर दी है। और उसी के साथ यहाँ पे अगर आपकी फैमिली से कोई एजेड पर्सन भी आता है तो आप एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे उनके लिए भी पूरी फैसिलिटीज़ करके दी हुई है। सामने एक व्हीलचेयर का ऑप्शन है, वहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ से व्हीलचेयर भी मिल जाएगा। और ये कॉरिडोर अभी भी कम्प्लीटली बना हुआ नहीं है, ये प्रोजेक्ट प्लान के मुताबिक अभी भी नहीं बना है, अभी भी इसका काम चालू आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से लंबे तक काम चालू है। तो अभी हम लोग जाएंगे अंदर। अंदर जाने के बाद हमारा पहले होगा इमिग्रेशन, इमिग्रेशन के बाद होगा सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक के बाद आएगा डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन के बाद आएगा पोलियो बूथ, और पोलियो बूथ के बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अगर अंदर शूट करने को मिला तो थोड़ा बहुत अंदर का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मालूम पड़ा बेटी का मुंह क्यों बिगड़ता है पीने के बाद। पोलियो ड्रॉप्स यहाँ पे कंपलसरी है, और ये पीने के बाद आपके ETA के ऊपर रजिस्ट्रेशन होता है कि आपको पोलियो के ड्रॉप दिए हुए हैं। पोलियो ड्रॉप की प्रोसेस, सिक्योरिटी चेक, डिक्लेरेशन और इमिग्रेशन, ये सारी प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जब हम लोगों ने एग्जिट लिया तो सामने पड़ा था एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसके ऊपर हम लोगों ने बैठ के निकले चेक पोस्ट के ऊपर जाने के लिए। चेक पोस्ट पे पहुंचने के बाद वहां पे BSF वालों ने हमारे पास से कलेक्ट किए येलो कलर के फॉर्म, जो डिक्लेरेशन फॉर्म होते हैं, जिसके ऊपर आपने मेंशन किया हुआ होता है कि आपके पास कितने डॉलर और कितनी करेंसी है। तो ये है जीरो लाइन,
जहाँ से ये बॉर्डर है, और इस तरफ है पाकिस्तान और इस तरफ है हिंदुस्तान, और इस तरफ अभी हम लोग जा रहे हैं ये पाकिस्तान की तरफ। आखिर में हम लोगों ने पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करी ली। जैसे ही बॉर्डर क्रॉस की, सामने खड़े थे कुछ पाकिस्तानी रेंजर। उन्होंने हमारे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया, हाथ मिलाया, मुस्कुराया और अच्छी तरह से वेलकम किया। वेलकम करने के बाद उन लोगों ने हमें बताया कि आपको ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैठ के आगे जाना है, और ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल हमें लेके जाने वाला था करेंसी एक्सचेंज के पास, और बाजू में था NBP काउंटर। तो चलिए देखते हैं वहां पे जाने के बाद क्या प्रोसेस करनी पड़ती है। तो ये व्हीकल में बैठ के हम लोग निकले पाकिस्तान के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाने के लिए, और हम लोग पहुंच गए करीबन 5 से 7 मिनट के अंदर। बट हमारा व्हीकल खड़ा रहा करेंसी एक्सचेंज काउंटर के बाजू में, क्योंकि इमिग्रेशन में जाने से पहले हमें पे करने थे $20। तो वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे जिन्होंने हमें गाइड किया। अगर आपके पास US डॉलर नहीं है और इंडियन करेंसी है, तो आप यहाँ पे आके दे के US करेंसी ले सकते हो, और अगर आपको पाकिस्तानी करेंसी चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। और अगर आपके पास ऑलरेडी US डॉलर है, तो यहाँ पे NBP है, जो मतलब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे जाके आपको $20 पे करना है, और एक बंदे का 2 रिसिप्ट जनरेट होता है जो आगे आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा इमिग्रेशन काउंटर पे। तो मेरे पास तो ऑलरेडी US डॉलर है, बट मैं यहाँ पे कुछ करेंसी एक्सचेंज करता हूँ पाकिस्तानी करेंसी के लिए। तो फाइनली हम लोगों ने करेंसी भी कन्वर्ट कर ली, और NBP मतलब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो चार्जेस था वो भी हमने पे कर दिया। एक्चुअली मेरे पास था हांगकांग डॉलर, सिंगापुर डॉलर, थाई बात, तो मैंने सारे डॉलर कन्वर्ट करने के लिए पूछा एक बार, तो उसमें से उन्होंने थाई बात एक्सेप्ट किया, क्योंकि थाई बात की करेंसी थी मेरे पास, उसकी बड़ी नोट थी 1000 थाई बात था। तो इनके कहने का मतलब था कि हम लोग कोई भी करेंसी एक्सेप्ट करेंगे बट वो बड़ी होनी चाहिए नोट, जैसे कि थाई बात 1000 बात की नोट थी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हांगकांग डॉलर मेरे पास $50 थे तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और सिंगापुर डॉलर मेरे पास $2 की एक करेंसी नोट थी तो उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैंने थाई बात दिया 1000 थाई बात, तो उसके सामने मुझे मिला पाकिस्तान का 2500 रुपी, और वो मैं वहाँ से लेके गया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे मेरे पास एक $100 का करेंसी नोट भी था, तो मैंने यहाँ पे किया $20, और उन लोगों ने मुझे $80 रिटर्न दिया। $80 के साथ मुझे मिला ये रिसिप्ट, ये 2 रहता है, और ये लेके हमें जाना है इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर। यहाँ पे कम टाइम लगता है क्योंकि क्राउड बहुत कम है, और 15 मिनट के अंदर हम लोगों ने पूरे का पूरा सब कवर कर लिया। तो हम लोग अभी ये लेके जाएंगे अंदर इमिग्रेशन काउंटर पे, और वहाँ पे जाके आगे देखेंगे कि क्या क्या हमें। पाकिस्तान का इमिग्रेशन और कस्टम क्लियरेंस ओके हो चुका है, कुछ भी नहीं पूछा, और एकदम आसानी से फ्लुएंटली हम लोग निकल गए हैं। अभी सामने खड़ी है बस जो लेके जाएगी हमें गुरुद्वारा। किधर गए वो पाजी? ये रहे। इमिग्रेशन कंप्लीट करने के बाद हम लोग बस पर बैठ के जाने के लिए निकले गुरुद्वारा। जी हाँ, करतारपुर गुरुद्वारा जाने के लिए यहाँ से सिर्फ लगने वाला था 5 मिनट। तो मैंने सोचा कि साथ ही साथ आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दूँ। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर हम लोग पाकिस्तान की विजिट करेंगे या पाकिस्तान जाएंगे तो हमारे पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगेगा और हम लोग अदर कंट्री जा नहीं पाएंगे। आपके पास इन्फॉर्मेशन तो सही है, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि करतारपुर कॉरिडोर ये वीज़ा फ्री कॉरिडोर है,
और यहाँ पे जाने के लिए आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पासपोर्ट तो आपको लेके आना है, बट वो भी सिर्फ इंडियन आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के हिसाब से आपको लेके आना है, जो सिर्फ आपको शो करना है। पासपोर्ट के ऊपर स्टैंपिंग नहीं होती है और आप बेफिक्र ETA वीज़ा लेके यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। कैमरा और ये भाई साहब दोनों के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं इनकी आवाज़ क्लियर रिकॉर्ड कर नहीं पाया, बट मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या मैसेज दे रहे थे। ये हमें बता रहे थे कि आपके पास आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि ETA फॉर्म है, आपका पासपोर्ट है, आपका वॉलेट है, आपकी कैमरा है, ये आप सब संभाल के रखिए, और आप अपने जो गले में आई कार्ड है उसे उतारिए मत, ये आपका ID प्रूफ है। साथ ही साथ आपके कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट किसी भी बंदे के साथ आप एक्सचेंज ना करें। और ये बहन जी हमें बता रहे थे कि गुरुद्वारा का मैप क्या है, जैसे कि अंगीठा साहिब जगह कहाँ पे है, मेन जो गुरुद्वारा है वो कहाँ पे है, सरोवर कहाँ पे है, आर्ट गैलरी कहाँ पे है, शॉपिंग बाजार कहाँ पे है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये बहन जी बता रही थी, जो ये वीडियो में मैं वॉइस कवर नहीं कर पाया। तो देखते हैं अंदर जाके कि अंदर से गुरुद्वारा कैसा दिखता है। हम लोग पहुँच चुके हैं करतारपुर कॉरिडोर के गुरुद्वारा में। ये वो गुरुद्वारा है जहाँ पे सिख धर्म के सबसे पहले धर्म गुरु गुरु नानक साहेब ने अपनी जिंदगी के 18 साल यहीं पे व्यतीत किए थे, और सिख धर्म के सबसे पहले धर्म गुरु थे, इसके लिए इसका महत्व काफी ज्यादा होता है। हिंदुस्तान से आने वाले सिख लोगों के लिए ये सबसे बड़े पवित्र जगह है, क्योंकि ऐसा होता था कि भारत और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे और हिंदुस्तान वो साइड रह गया था और पाकिस्तान ये साइड रह गया था। तो ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान के नरवल जिले में आता है। तो जब हिंदुस्तान के सिख लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ नहीं सकते थे, तो यहाँ से थोड़े दूर पे दूरबीन लगा के इसके दर्शन करते थे। दोस्तों ये चीज़ तो कुछ ऐसी हो गई थी जैसे मुस्लिम लोग जाते हैं और मक्का मदीना को दूर से दूरबीन पे देख लेते थे। तो जितना मुस्लिम लोगों के लिए मक्का और मदीना पवित्र स्थान है, उतना ही सिख लोगों के लिए ये स्थान बहुत ज़्यादा पवित्र है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे एक कुछ हिस्ट्री ऐसा भी है कि गुरु नानक जी का जब देहांत हुआ था और वो जब देव हुए थे, तब हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच में ना थोड़ा सा ये हो रहा था कि गुरु नानक जी को मुस्लिम अपने हिसाब से क्रिया करेंगे और हिंदू लोग अपने हिसाब से क्रिया करेंगे। तो ये करते करते ना उन लोगों की रात बैठ गई। जब जाके ना मुस्लिम लोगों ने ना वो जब चादर हटाई गुरु नानक जी की शरीर के ऊपर से, तो वहाँ पर सिर्फ फूल और फूल बिखरे पड़े थे। तो यहाँ पे आपको गुरु नानक जी की दरगाह भी देखने को मिलेगी, और सिख धर्म के हिसाब से और हिंदू धर्म के हिसाब से उनका किया हुआ जो गुरुद्वारा है वो भी देखने को मिलता है। तो दोनों जगह देखने को मिलेगी। हम आपको दिखाते अभी आगे आगे और भी हिस्ट्री क्या है, हम लोग यहाँ के जो पुराने लोग हैं उनको पूछेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। है एक वेल है जिसका नाम है मिरेकल ऑफ वाहेगुरु जी वेल। ये वेल की हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि जब गुरु नानक जी अपनी ज़िंदगी के 18 साल जब यहाँ पे खेती करते थे, तो यही वो कुआँ है जिस कुएँ में से वो पानी लेके वो अपने खेतों में हर जगह पे पहुँचाते थे। साथ ही साथ कुछ इसका हिस्ट्री ऐसा भी है यहाँ पे, जैसे इन लोगों ने मेंशन किया है कि 1971 में जब एयरफोर्स ने यहाँ पे एक बॉम्ब ड्रॉप किया था तो कुएँ ने अपनी गोद में ले लिया था और ये फूटा नहीं था, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। और यहाँ पे वो बम भी रखा हुआ है आज भी, बहुत दिनों से संभाल के। तो ये ना वेल की एक और हिस्ट्री भी आपको बता दूँ, ये देखिए ना ये वेल से पानी आ रहा है यहाँ पे अभी, और बहुत लकी हूँ कि मुझे ये वेल चालू देखने को मिला है। अभी तक के कोई भी वीडियो में आपको ये वेल चालू नहीं देखने को मिला है। तो दोस्तों यही वो जगह है जिन्हें पाकिस्तान के लोग गुरु नानक पीर की दरगाह के नाम से जानते हैं। मैंने आपको पहले भी इसकी हिस्ट्री बता दी है कि जब गुरु नानक जी देव हो गए थे, उसके बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों ने अपने अपने हिसाब से उनकी क्रिया की थी। तो ये वही जगह है जहाँ पे मुस्लिम लोगों ने गुरु नानक जी की क्रिया की थी और उनकी पीर की दरगाह बनाई थी। तो दोस्तों ये वो मेन गुरुद्वारा के अंदर का एंट्रेंस है जिसके दर्शन के लिए लोग हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ पे आते हैं। ये वो गुरुद्वारा है जो गुरु नानक जी के देव होने के बाद हिंदू लोगों ने आस्था के अनुसार यहाँ पे अपना गुरुद्वारा बनाया था। तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए हम लोग अंदर पहुँचे।
जब नीचे के फ्लोर की विजिट करने के बाद हम पहुंचे गुरुद्वारा के पहले माले पे, तो हमने देखा कि वहां पे गुरु नानक जी के कीर्तन चालू थे। हमने भी वहां पे दर्शन किए, थोड़ी देर बैठे और फिर गए उस। तो दोस्तों, ये जगह का नाम है अंगीठा साहिब। इसका नाम इसके लिए अंगीठा साहिब है क्योंकि यहाँ पे गुरु नानक जी खेती करने के बाद विश्राम करते थे। ये जगह आज भी इतनी पवित्र मानी जाती है कि यहाँ पे घूमने के लिए जो सिख भाई आते हैं वो अपने साथ यहाँ की मुट्ठी भर मिट्टी लेके जाते हैं, क्योंकि ये उनके लिए प्रसाद से कम नहीं। ये वो सरोवर है जहाँ पे पानी गुरु नानक जी ने कुआं अपने हाथों से बनाया था वहां से आता है, इसके लिए इसको काफी पवित्र माना जाता है और सिख भाई लोग दर्शन करने से पहले यहाँ पे स्नान करते हैं सरोवर पे। सरोवर में हमने स्नान भी किया, काफी बढ़िया था। चाचा ने काफी हमें मतलब इंफॉर्मेशन भी दी कि यहाँ पे अगर आपके पास कपड़े नहीं है, मतलब अंडरवियर्स नहीं है या तो टॉवल नहीं है, तो यहाँ से ये भी हम लोग प्रोवाइड ये लोग कर रहे हैं। अभी जाते हैं लंगर की तरफ। सरोवर में स्नान करने के बाद हम लोग पहुंचे सीधा लंगर में। लंगर में जाके हमने लिया प्रसाद। प्रसाद काफी स्वादिष्ट था। लंगर के बाजू में था आर्ट म्यूजियम। मैंने वहां पे लंगर में प्रसाद लेने के बाद विजिट की। ये म्यूजियम इतना तो बड़ा नहीं था, बट इसके अंदर जो पेंटिंग थे वो पेंटिंग ने ये म्यूजियम की शान बढ़ा दी। दोस्तों, काफी अच्छी पेंटिंग का कलेक्शन था, साथ ही साथ यहाँ पे फोटोग्राफी का भी अच्छा कलेक्शन था और ये सारे सेल हो रहे थे। तो आप जब भी आओगे तो यहाँ पे अच्छा खासा टाइम निकाल के ज़रूर विजिट करना। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ, मैंने शूटिंग बहुत लंबा लिया है बट आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा बन रहा है और मुझे बनाना था इन्फॉर्मेटिव। तो शायद अगर आपको इसको देखना रहेगा पूरा म्यूजियम का वीडियो, तो मुझे आप कमेंट में लिखिए, तो मैं शायद आने वाले दिनों में एक स्पेशल व्लॉग बना के अपलोड कर सकूं। तो ये है वो बाज़ार, भाई अजीता जी बाज़ार, और यहाँ पे मेडिकल सेंटर भी अवेलेबल है, कंट्रोल सेंटर भी अवेलेबल है और स्टाफ रेजिडेंस भी यहीं पर हैं। तो ये है पूरा पट्टा वो बाज़ार के लिए जो बनाया हुआ है, और वो है सामने गुरुद्वारा, और मेन रोड ये है। आपको सामने अभी भी पार्किंग में व्हीकल्स या तो शायद दिखेंगे इसमें, और हम लोग वहाँ से ऐसे चलते हुए आए और अभी यहाँ से जा रहे बाजार में। ये फोटो कच्छ की है, कच्छ गुजरात, जहाँ पे ना ऐसा भरत काम और ये सब होता है, और कच्छ बॉर्डर मतलब वहाँ से पाकिस्तान भी नज़दीक है, लखपत बॉर्डर से पाकिस्तान में एंट्री होती है। ये कपड़े हैं पाकिस्तान डिजाइन्स के। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी लंबा बन रहा था, इसके लिए मैं अभी आपको आगे पूरा बाजार यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा, बट मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं स्पेशल इसका एक व्लॉग बनाऊंगा और आपको जरूर दिखाऊंगा। ये बाजार बहुत ही ज्यादा बड़ा था, यहाँ पे कपड़ों के साथ खाने पीने की भी बहुत सारी चीजें मिल रही थी। बट एक चीज मैंने यहाँ पे नोट की, यहाँ पे खाने पीने की जितनी भी चीजें मिल रही थी वो 100% वेज थी। यहाँ पे नॉन वेज कोई भी चीज अलाउड नहीं है। दोस्तों, जब आप ये बाजार में विजिट करने के लिए आओगे तो एक चीज याद रखो, यहाँ का ये समोसा जरूर टेस्ट करना, ओरिजिनल पंजाबी टेस्ट के साथ। और आज तक मैंने कभी ऐसा टेस्ट नहीं देखा, इतना स्वादिष्ट समोसा था। शाम के 4 बज गए थे और हम बढ़ रहे थे हिंदुस्तान की तरफ, बट उससे पहले एक छोटी सी प्रोसेस जिसमें सिक्योरिटी चेक इन और इमिग्रेशन, और वो दोनों होने के बाद बस हमें छोड़ के गई बॉर्डर पे। बॉर्डर से हम लोगों ने चलते चलते मजाक मस्ती करते हुए सारे भाई लोगों ने बॉर्डर क्रॉस की। अब ये टूर में मेरा कितना एक्सपेंस हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, बट जाने से पहले दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को तो लाइक जरूर करना। अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ हमें आप कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा।